हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुना ज्ञान के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आजकल हर कोई विदेश में जाकर अपने हॉलीडेज के मजे लेना चाहता है। कुछ लोग अपने सपने को पूरा कर पाते हैं तो कुछ के लिए ये महज एक सपना ही रह जाता है। लेकिन क्या हो अगर जब आपकी कोई चीज गुम हो जाए, अगर आपका वॉलेट या फोन गायब हो जाए तो शायद आप उतने परेशान ना हो, लेकिन कहीं अगर आपका पासपोर्ट ही खो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या कोई पासपोर्ट खोने के बाद भी अपने देश वापस लौट सकता है? और अगर लौट सकता है तो उसे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस आसानी से देखने को मिल जाएं। किसी भी इंसान के लिए ये बात एक बुरे सपने जैसी है कि वो किसी दूसरे देश घूमने जाए और वहां उसका पासपोर्ट खो जाए। लेकिन बुरे सपने कभी कभी हकीकत में भी बदल जाते हैं। ऐसे में हम आज आपको बताएंगे कि अगर आपका पासपोर्ट कभी विदेश में घूमने के दौरान खो जाए तो आप क्या तरीके अपना सकते हैं जिससे आप अपने देश वापस आ सकें। पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट खोने की रिपोर्ट दर्ज कराएं। सबसे पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन का पता लगाएं और गुम हुए पासपोर्ट की रिपोर्ट दर्ज करें। ये बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि इसी रिपोर्ट के सहारे इंडियन एम्बेसी से आप इमरजेंसी सर्टिफिकेट या दूसरा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इससे आपके काम में तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन दूसरी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने में मदद जरूर मिलती है। इसके बाद नजदीकी इंडियन एम्बेसी पर जाएं, वे आपको नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करने में मदद करेंगे। यहां पहले से अपॉइंटमेंट लेकर जाएं। अगर पासपोर्ट चोरी हुआ है तो एम्बेसी को सूचित करना भी काफी जरूरी है, ताकि कोई भी आपके पासपोर्ट का मिसयूज ना कर पाए। अगर आपके विदेश से लौटने में ज्यादा टाइम बचा है तो एम्बेसी आपका रिप्लेसमेंट पासपोर्ट तैयार करवाती है, जो भारत से बनकर ही उस देश में जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में कुछ दिन लग ही जाते हैं। वहीं अगर आपके पास एक या दो ही दिन बचे हैं तो एम्बेसी आपके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनवाएगी। इसके बाद आप भारत आकर दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। आपका एम्बेसी में जब अपॉइंटमेंट हो जाए तो जाने से पहले सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जो आपका दूसरा पासपोर्ट बनवाने के काम आएंगे। खोए हुए पासपोर्ट की फोटोकॉपी, पुलिस रिपोर्ट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, टिकट और वीजा की कॉपी और एक एप्लीकेशन, ये सब करने के बाद आपका पासपोर्ट आने में करीब हफ्ता भर लग सकता है। लेकिन तुरंत जाने के लिए हमारे पास इमरजेंसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी है। अगर विदेश यात्रा के दौरान पासपोर्ट खो जाए तो वीजा भी खत्म हो जाता है। ऐसे में आपको उस देश के एम्बेसी में जाकर दोबारा वीजा अप्लाई करना होगा। इसके लिए भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे पुराने वीजा की फोटोकॉपी, पुलिस रिपोर्ट और दूसरे रिप्लेसमेंट पासपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये वो तरीके हैं जो आप पासपोर्ट खोने या फिर चोरी होने के समय अपना सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप सिर्फ शांत रहकर सोचेंगे तो आसानी से चीजें अपने आप सही होती चली जाएंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज के इस एपिसोड में आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनसुना ज्ञान को सब्सक्राइब करें।